नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। खबरों की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर में। महिंद्रा पिकअप और अर्टिगा कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है, जहां पर दोनों वाहनों में चार लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में तीन महिला और एक बच्चा शामिल है। हादसे में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो चुके हैं। वहीं पिकअप यात्री रिश्तेदार के घर से वापस घर लौट रहे थे, और वहीं हादसे में तीन महिलाओं की मौत की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें, एक दर्जन से अधिक लोग जो है इस हादसे में जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि पिकअप यूटर्न लेते वक्त ये हादसा हुआ, जिसमें तमाम लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर परिवार लगातार परेशान है, जहां पर पिकअप और कार में इतनी भीषण टक्कर होती है। इस टक्कर होने के बाद से जो है दर्दनाक हादसा हुआ। बुलंदशहर में दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर फिलहाल इन तमाम जख्मियों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रहे किस तरीके से यह हादसा हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, पिकअप और कार में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल इस हादसे में जो तमाम लोग जख्मी हुए हैं, उनसे पुलिस पूछताछ भी कर रही है, और साथ ही साथ इन तमाम लोगों का जिला अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। तो बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर यह हादसा होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अस्पताल की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है, और साथ ही साथ तमाम लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं। फिलहाल ये हादसा इतना भीषण था कि तमाम लोग जो है इस हादसे के होने के बाद से तमाम लोग घबरा गए। इसकी सूचना भी पुलिस को दी गई, इसके बाद पुलिस फिलहाल पहुंची है। लगातार तमाम जख्मियों से पूछताछ भी की जा रही है। तो पिकअप और कार में इतना भीषण टक्कर हुआ, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा बुलंदशहर से देखने को मिला है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सतवीर सिंह हमारे साथ हैं। सतवीर, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ वजह रही इस हादसे की? देखिए, बिल्कुल साफ साफ बता दूं, ये बुलंदशहर के देहात कोतवाल क्षेत्र में हुआ है। NH1 आपको बता दें, बताया जा रहा है वो अपने रिश्तेदारी में उनके गए थे, क्योंकि बताया कि कल होली का पर्व था, उसी को लेके लोग अपने अपने रिलेशन में जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि एक महिंद्रा पिकअप एक कार से जो है एंटर होकर जो टकरा जाती है, वहाँ जो है एक इसमें जो है तीन महिला सहित एक बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो जाती है, और लगभग यात्री जो है घायल हो जाते हैं। और घायलों को जो फिलहाल जो है CSC ब्रांच में भर्ती कराया जाता है, जहाँ वहाँ पर जो पहुंचते उनका जो इलाज जारी है। आपको बता दें कि मौके पर जो है DM SSP घटना पर पहुंचे हैं, मौना मुआवजा किया है, और अस्पताल जाकर उनका जो हाल चाल जाना है। जी सतवीर, फिलहाल पुलिस ने मुआयना तो कर लिया, लेकिन अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, फिलहाल जो बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई की बात करते हैं, फिलहाल जो कार बताई जा रही है उसके जो है फिलहाल जो मुकदमा पंजीकृत अज्ञात कर लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल जो है पुलिस की बात माने तो फिलहाल जो अज्ञात मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, जिस तरह से हादसा हुआ, तो लगातार बता दें कि जिस तरह से कल होली का पर्व था, तो लगातार जो लोग जो जश्न दूर हुए थे, वहीं भी बता दें कि कई परिवार जो कोहरा मच गया। तो बता दें कि जिस तरह से जो घटना हुई है, इससे जो है इसमें इसी घटना से जो क्षेत्र में जो सनसनी फैल गई थी, और लगातार जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें जो कई लोग जो घायल हुए थे, और चार लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतवीर सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए। तो पिकअप और कार में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसके बाद इसमें जो तमाम लोग हैं वो जिनकी मौत बताई जा रही है, तमाम लोग ऐसे भी हैं जो फिलहाल जख्मी हैं।